इसके अंदर प्रूव करना है अगेन एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन बाय यूजिंग कैलकुलस, ग्राफिकल नहीं। अगर पेपर में आ जाए आपके स्कूल में प्रूफ एस इज इक्वल टू वी टी और मेंशन कुछ ना हो तो प्लीज कैलकुलस मेथड ही यूज करना। तो आपने एक डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम में ये बॉडी एक्स वन से एक्स टू पे चली गई, जैसे डायग्राम हर बार बनता है बिल्कुल सेम। जब ये एक्स वन पे थी तो टाइम क्या था, जीरो। जब ये एक्स टू पे थी टाइम क्या था, टी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन, सही है। इसके अंदर जब ये बॉडी चल रही होगी तो कोई वेलोसिटी होगी चलने की, तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी डिफर भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगी, v इज डी एक्स बाई डी टी। ये डेफिनेशन हमने क्यों किया इंस्टेंटेनियस की, हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, हमें टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन की और लिमिट खुद लगानी है। कैसे, जब ये बॉडी चली थी, क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम की है तो लिमिट भी टाइम की लगेगी, तो जब ये बॉडी चली थी तो टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, जीरो, और फाइनल वैल्यू क्या थी, टी। तो क्या लगाएंगे, लिमिट जीरो से टी, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, तो एक्स की लिमिट लगेंगी। तो एक्स की लिमिट में इनिशियल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वन, और फाइनल कितनी है, एक्स टू। तो एक्स वन से एक्स टू, पेपर में देगा नहीं कोई टीचर, ये खुद लगानी है आपने, एक्स वन से एक्स टू तक जा रहे हैं और जीरो से टी पे जा रहे हैं, कोई डाउट इसमें। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन तो एक्स होगी, वी कॉन्स्टेंट आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम ही वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स है, वन डी टी की टी है, लिमिट पुट करें, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट, एक्स की जगह एक बार लोअर लिमिट, टी की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, एस। तो एस इज इक्वल टू वी टी प्रूव हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी टी कैसे प्रूव करना है। ज़्यादातर चांस बाकी इक्वेशन का आने का ज़्यादा रहता है, बहुत छोटी इक्वेशन है। तो जैसे प्रूव दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई यूजिंग अगेन कैलकुलस मेथड। तो इसमें क्या करना है, आपने डायग्राम बनाना है, आपने लिखना है कि इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी यू है, थोड़ी देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी वी हो गई कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, और इस दौरान एक्सेलरेशन ए है। जब बॉडी चली थी तो उसका टाइम क्या था, जीरो। जब बॉडी यहां पर आ गई तो टाइम क्या है, टी। डायग्राम बना दिया, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है और एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर कैसे लिखी जाती है, डी वी बाई डी टी। तो इंस्टेंट इन इज एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, क्या ये पॉइंट क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब dv इज इक्वल टू ए डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है और हमारी वेलोसिटी का चेंज काफ़ी बड़ा है, कितना बड़ा है, u से लेके v तक है। तो स्मॉल चेंज को बड़ा चेंज करने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन है। इसके अंदर वेलोसिटी की लिमिट्स क्या लगेंगी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, u, और फाइनल क्या है, v। क्योंकि इंटीग्रेशन वेलोसिटी की है तो लिमिट भी वेलोसिटी की है, u से v, और राइट साइड पे टाइम के साथ इंटीग्रेशन है। जब बॉडी चली थी तो टाइम क्या था, जीरो, और फाइनल टाइम क्या है, टी। तो क्या लगेगा, जीरो से लेके टी। तो वन डी वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी। वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या है, टी। तो वी की लिमिट है यू से वी, तो एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट, और ऐसी टी की जगह अपर लिमिट, टी की जगह लोअर लिमिट सॉल्व करके वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, काम खत्म। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो एस इज इक्वल टू वी टी में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के प्रूफ में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। कमाल की बात यह है कि फिजिक्स में याद करने वाला पार्ट ही बहुत कम है, तभी लोगों को ये ठीक लग जाती है कभी कभी, क्योंकि रट्टे ने मारने नहीं, एक्सेप्शन ये है नहीं इसमें। केमिस्ट्री में तो हर तीसरी चीज़ में देखेंगे एक्सेप्शन आ जाती है, इसमें एक्सेप्शन ही नहीं है, बस लॉजिक है। पहले दो स्टेप याद किए, बाकी पेपर में कर ही लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो आती है, तो ये इसमें अच्छी चीज़ है। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर प्रूव करना है, फिर डायग्राम ड्रॉ करें। जब बॉडी यहाँ पर थी तो वेलोसिटी u थी, थोड़ी देर में वेलोसिटी v हो गई। जब बॉडी यहाँ पे थी तो टाइम क्या था, जीरो। जब बॉडी यहाँ पर आ गई तो टाइम क्या है, टी, और कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ s।
अब इसके अंदर फिर से एक बार वेलोसिटीज और एक्सेलेरेशन दोनों हैं, तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ विद फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dx by dt। आप ये सोचेंगे कि ये कैसे पता लगता है कि a dv by dt से स्टार्ट करना है कि v dx by dt से स्टार्ट करना है, क्या लॉजिक है इसका। तो इसके अंदर ये याद ही करना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग का स्टेप आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तो मैंने किसी भी इंस्टेंट पे रास्ते की वेलोसिटी v ले ली क्योंकि dx by dt क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि v रास्ते की किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, हमें हमारा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u में चाहिए। तो हमने अभी रिलेशन प्रूव किया पिछला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह रिप्लेस कर दिया क्या u प्लस ए टी, क्योंकि मेरे को आंसर v में नहीं चाहिए, मेरे को आंसर u में चाहिए। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की लिमिट क्या लगेगी? जब बॉडी यहाँ पर थी तो डिस्प्लेसमेंट s क्या थी? जीरो। और जब बॉडी यहाँ पर आ गई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? s। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो से s, और टाइम की लिमिट क्या लगेगी? जीरो से लेके t, क्योंकि जब बॉडी चली थी तो टाइम जीरो था और फाइनल टाइम t हो गया। इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में भी दिया था, आप चेक कर लो अपनी कॉपी। तो मैंने इसे ओपन करवाया था और मैंने कहा था क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम की है तो u कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम की है तो टाइम वाली टर्म अंदर रहेगी, a बाहर आ गया। अब इसमें 1dx की इंटीग्रेशन x है, 1dt की t है और t की t स्क्वायर बाय 2 है। एक बार s की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आ गया। कई लोग ये सोचते हैं जब ये प्रूफ कर रहे होते हैं कि s की लिमिट समझ में नहीं आई, आपने s क्यों ली? मैंने पूछा वो क्यों? वो स्टूडेंट कहता देखो आपने हमेशा सिखाया कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? x1, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2। हमने तो हमेशा यही लिया है, हमेशा ऐसे ही किया ना हमने, तो s मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप अपनी लिमिट पुट कर लें x1 से लेके x2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल पोजीशन x1 है, फाइनल पोजीशन x2 है, तो x1 से लेके x2 कर दिया। तो जब आप आखिरी स्टेप पे यहाँ पे आएंगे सॉल्व करते करते, तो ये भी क्या आएगा? x1 से लेके x2, ये क्या आएगा? x2 माइनस, लेकिन x2 माइनस s1 की जगह s, एक ही बात है। तो तुम चाहे x1 x2 लगा लो, तुम चाहे 0 और s लगा लो, तो भी दोनों में आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी है। कईयों को x1 x2 ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हर क्वेश्चन में x1 x2 यूज़ हो रहा है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे प्रूव करना है? अब नॉर्मली आपके स्कूल के टीचर्स थोड़ा सा और प्ले कर जाते हैं ताकि एक आध नंबर काट लें आपका या आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, वो ये इक्वेशन प्रूफ देने की बजाय ये देना पसंद करते हैं। वो कहते हैं प्रूफ करो फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे वो यार ये तो करवाया ही नहीं, मैं क्वेश्चन ही छोड़ाया। नहीं छोड़ना, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की ही स्टोरी है, सेम डायग्राम है, सेम स्टेप है, सेम स्टेप है, सेम स्टेप है, लिमिट डिफरेंट है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स यूज किए जा रहे हैं x नॉट और x, और टाइम में t नॉट और t, तो लिमिट उठा के पुट कर दो टाइम की t नॉट से लेके t और x की लिमिट x नॉट से लेके x। तो क्वेश्चन जो गिवन होगा उसमें लिमिट्स का हिंट गिवन होगा, तो x नॉट से लेके x कर देना, t नॉट से लेके t कर देना। 1dx की इंटीग्रेशन x, 1dt की t, और ये सेम, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे x की जगह x माइनस x नॉट, t माइनस t नॉट, t स्क्वायर बाय 2 माइनस t नॉट स्क्वायर बाय 2, जब आप x नॉट को राइट पे लेके जाएंगे तो वही चीज आ जाएगी x इज इक्वल टू x नॉट प्लस जो प्रूव करना है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन में करना है? तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिमिट्स का खेल गेम है इसमें। ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में आ जाए प्रूव दैट x की जगह वो हो सकता है आपको दे दे x2 इज x1 प्लस u इंटू t2 t1 हाफ a हाफ a t स्क्वायर माइनस t1, ये भी दे सकता है। अब बोलो लिमिट क्या लगाएंगे? x1 से x2 और टाइम की t1 से t2, अपने आप आंसर आ जाएगा।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि आपके स्कूल में कुछ भी आएगा प्रूव हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है, आएगा ऐसा कुछ आता रहता है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, इसे प्रूव करना है, ये भी आ जाता है पेपर में, इन दोनों में से एक तो पक्का आता ही है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस में अगेन बॉडी यू से वी पे चली गई, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, मैं स्टार्ट करता हूँ विद इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब एक प्रॉब्लम है, मैं इसे इंटीग्रेट करना नहीं चाहता आगे, क्योंकि जब मैंने देखा क्या प्रूव करना है उसमें टाइम नहीं आ रहा, देख रहे हो टाइम नहीं आ रहा, पर मेरे रिजल्ट में टाइम आ रहा है, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आंसर में टाइम ज़रूर आएगा, तो मेरे को टाइम को हटाना है, टाइम की जगह रादर मुझे क्या चाहिए, एक्स या एस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक ट्रिक है फिजिक्स वालों के पास, ये ट्रिक मुझे याद हो चुकी है, मैं जब फंसूँगा तो मैं निकल जाऊँगा। आप अभी पहली बार कर रहे हैं आपको अजीब लग सकती है, 5-7 बार आप भी फंसेंगे तो आप भी निकल जाएंगे, लेकिन पहली बार नहीं निकलेंगे। पहली क्या करना है, जब भी डी टी को डी एक्स में कन्वर्ट करना हो, आपको डी एक्स चाहिए, आपको डी टी नहीं चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता है डी एक्स पर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, डी एक्स पर डी एक्स तो 1 है, फर्क तो पड़ा नहीं, तो आप यहाँ डी एक्स और डी एक्स कर दें। फिर एक काम करें, इस डी वी के नीचे ये डी एक्स लगा दें और इस डी एक्स के नीचे ये डी टी लगा दें, तो क्या बनेगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डी टी को डी एक्स में कन्वर्ट करना हो, अपनी इंटीग्रेशन डी टी को डी एक्स में कन्वर्ट करना हो, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर लें, तो इस डी वी के नीचे ये डी एक्स ले आएँ और इस डी एक्स के नीचे ये डी टी ले आएँ। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गई, वी डी वी एक तरफ लेके आए, ए डी एक्स को मल्टीप्लाई करके एक तरफ रख दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, टोटल चेंज निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, कैसे, वेलोसिटी की लिमिट क्या लगेगी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू और फाइनल क्या है वी, और एक्स की क्या लगेगी, जीरो से एस, मर्जी है एक्स वन से एक्स टू भी लगा सकते हैं, जीरो से एस भी लगा सकते हैं, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या किया, ए डी वी बाई डी टी, डी टी नहीं चाहिए, डी एस चाहिए, डी एस से डिवाइड डी एक्स से डिवाइड डी एक्स से मल्टीप्लाई, ये 1 होता है, डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वी है, वी डी वी एक तरफ, ए डी एक्स इस तरफ, इंटीग्रेट करें, वेलोसिटी की लिमिट यू से वी करें, एक्स की लिमिट 0 से एस करें, वी डी वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 करें, 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स है, एक बार वी की जगह अपर लिमिट वी, एक बार लोअर लिमिट यू, एक्स की जगह एस माइनस 0, 2 एलसीएम लेके राइट आंसर, तो प्रूव हो जाएगा। ज़्यादातर आने का चांस एक्स वाली इक्वेशन या इसमें है, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन ही ट्रिकी हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई आनी चाहिए आपके स्कूल में, और मेरे को लगता है 100% एक क्वेश्चन तो आएगा 3 नंबर का, मतलब नॉर्मली मैं रोज रोज बोलता नहीं हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ आएगा नहीं, ये तो आएगा, एरर्स का एक यूनिट्स का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर का आपका यूनिट्स आएगा, 3 नंबर का आपका ये 6 नंबर का पेपर तो हो गया तैयार स्कूल का। कंपटीशन तो अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, अभी तो स्टार्ट होनी है गेम, आज से स्टार्ट है वैसे, ठीक, पर आपने थोड़े फ्लेवर देख ही लिए थे यूनिट एंड डायमेंशन के आखिरी 4 क्वेश्चन, उसमें लग रहा था कि कुछ थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ा, आज भी आपको आखिरी 3 क्वेश्चन में एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक, मतलब तो थोड़ा फ्लेवर तो दिखाना पड़ेगा ना, सारा तो नहीं कर सकते, बट कुछ ईजी मॉडरेट और एक लेवल ऊपर पेपर तो बनाना पड़ेगा, चेक तो करें कौन कितना कर पा रहा है, ठीक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ये पूरी जब डेरिवेशन हो जाती है ना, सारी चीज़ ठीक है, स्टूडेंट एक चीज़ अगले दिन पूछता है, आप पूछोगे जब अगर टेस्ट होगा, पढ़ोगे दिमाग काम करेगा तो पूछोगे, सर ये नहीं समझ में आया, आपको कैसे पता लगता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस प्रूव करने के लिए पहला स्टेप ए का होगा, वी डी एक्स बाई डी टी का नहीं होगा, अगर मैंने गलती से वो ले लिया तो फिर क्या आंसर है, तो
देखो अपने अपने याद करने के तरीके हैं, तो कि मुझे लगता है कि ये बड़ा है तो ए चाहिए मुझे, तो मैंने ए यूज़ कर लिया। एक्चुअल में यार ये याद ही करना पड़ेगा मुझे, मैं और रास्ते से कर तो दूंगा, लंबा रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता यही है। तुम वी डी एक्स बाई डी टी में भी कर सकते हो, पर लंबी डेरिवेशन चली जाएगी, सबसे छोटी यही है। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे याद है, तुम भी याद कर लेना यार, पहला स्टेप है। लिमिट्स कैसे लगानी है उसका आइडिया आपको पता लग रहा है, वो तो आप कर लोगे। इंटीग्रेशन आपको आती है, वो आप कर लोगे। और दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछोगे जब रिवाइज करके आओगे, डी एक्स बाई डी एक्स कैसे, मतलब कैसे आपको सपना आता था कि आप फंस गए, आप ऐसे निकलेंगे कैसे, बाकी सब ठीक है, ये कैसे मेरे ख्याल में आएगा, आपको आज नहीं आएगा। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस हफ्ते, 10 दिन न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो जगह फिर फंसेंगे, आप जब सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, ऑप्शन देखेंगे, उसमें टाइम नहीं चाहिए होगा, आपको एस चाहिए होगा, और आप अपने क्वेश्चन में डी टी में फंस जाएंगे। फिर मैं कहूँगा देखा हम प्रूव किया करते थे डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ आपको क्या किया था। फिर ऐसे करके आपको एक ट्रिक समझ में आ जाएगी कि कैसे कन्वर्शन करनी है। अभी नहीं आएगी, अभी इन शॉर्ट उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन बाय प्रैक्टिस चीज़ें अपने आप दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी समय के साथ। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक,